जयपुर से बड़ी खबर है, जेडीएस से जुड़ी हुई। हीरापथ B2 बाईपास न्यू सांगनेर रोड से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वंदे मातरम मार्ग तक इन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा और जेडीएस ने इसके लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है। सूचना जारी कर अतिक्रमियों को अब समय दे दिया गया है। दरअसल 17 जून तक का ये समय है, ये डेडलाइन 17 जून तक स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। अतिक्रमियों को ये मोहलत है, जिसके बाद अगर अतिक्रमण खुद से नहीं हटाए गए तो फिर जेडीए इस अतिक्रमण को हटाएगा वंदे मातरम मार्ग पर। ये सेक्टर रोड 100 फीट चौड़ी की जानी है। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि रोड की चौड़ाई होगी, लेकिन जब दो रास्ते के दोनों ओर अतिक्रमी और अतिक्रमण से घिरा हुआ ये रास्ता नजर आ, उस पर अब ये फैसला। ज्यादा जानकारी के साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गया। अभिषेक, क्या पूरी जानकारी इसको लेकर रहेगी? देखिए, सेक्टर प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 100 फीट चौड़ी है और यहाँ पर अभी मौके पर इतना नहीं है क्योंकि कहीं अतिक्रमण है, कहीं अवैध निर्माण है, उसको लेकर जीडी ने पहले भी नोटिस दिए थे, समझाइश भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अतिक्रमण बचे हुए हैं। तो उनके लिहाज से जीडी ने बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है और सार्वजनिक सूचना जारी करके जो भी अतिक्रमी है उनको 17 जून तक का समय दिया है कि 17 जून तक जो भी आपके निर्माण है उनको स्वयं के स्तर पर हटा लें। इसके बाद जेडीए जो है वहां कार्रवाई करेगा और इसमें यह भी कि जेडीए अगर कार्रवाई करता है तो अतिक्रम हटाने में जो भी खर्चा होगा उसकी वसूली अतिक्रमी से की जाएगी। तो अपने आप में ये अहम सड़क है और यातायात की दृष्टि से भी ये अहम सड़क है, लिहाज से इसको 100 फीट किया जा रहा है। मौके पर अभी पूरी तरह से 100 फीट नहीं है, कई स्थानों पर ये सड़क अवरुद्ध है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।